दोस्तों आज की वीडियो में बहुत ही गुड न्यूज आप तक पहुंच ही गई होगी और मैं भी आपको देना चाहता हूं। तो ये आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए गुड न्यूज है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सप्लीमेंट्स विला। और दोस्तों यहां पर हम आपको बता रहे हैं सप्लीमेंट से जुड़ी हर एक बात, हर एक पॉइंट, हर एक नॉलेज जो आपको सप्लीमेंट खरीदने से पहले ध्यान रखनी चाहिए और सप्लीमेंट खरीदते टाइम काफी काम आने वाली है। तो दोस्तों आज हम फिर आ रहे हैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। और दोस्तों आज की वीडियो में बहुत ही गुड न्यूज आप तक पहुंच ही गई होगी और मैं भी आपको देना चाहता हूं। और दोस्तों वो गुड न्यूज है कि अब जिम ओपन हो जाएंगे। जो अब लॉकडाउन हट रहा है तीसरी स्टेज पर, उसमें जिम भी ओपन हो जाएंगे, योगा सेंटर सारे ओपन हो जाएंगे। तो ये आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए गुड न्यूज है क्योंकि जिम तो पहले से ही ओपन हो जाने चाहिए थे जब मॉल्स वगैरह ओपन हो गए थे, बट गवर्नमेंट ने थोड़ा सा लेट लिया। बट कोई नहीं, गुड न्यूज आई तो सही। तो दोस्तों काफी अच्छी न्यूज है। बट दोस्तों एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि अब जिम बेशक ओपन हो जाएंगे, आपकी सावधानी नहीं हटनी चाहिए क्योंकि जहां पर सावधानी हटी दुर्घटना घटी। फेक माफिया से बचना है क्योंकि अब जिम ओपन होंगे तो नेचुरल सी बात है कि सप्लीमेंट्स की डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी। अब जब डिमांड बढ़ेगी तो फेक माफिया और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बचना है फेक माफिया से और ओरिजिनल सप्लीमेंट के लिए सप्लीमेंट विला को याद रखना है। जितना प्यार, जितना विश्वास आपने हमें दिखाया है और हमने आपके लिए जान लगाई है और स्टिल लगा रहे हैं, आपके और फेक माफिया के बीच में एक मजबूत दीवार बनकर हम खड़े हुए हैं। दोस्तों हम खड़े रहेंगे, इस दीवार को और मजबूत आपको करना है, सपोर्ट करना है। आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और आप सबको बधाई कि अब जिम ओपन हो जाएंगे क्योंकि जिम को लेकर काफी ज्यादा परेशानियां चल रही थी। बहुत सारे जो हमारी, मैं कह सकता हूं कि फिटनेस इंडस्ट्री जो है वो एकदम से, मैं कहूंगा कि गड्ढे में ही चली गई थी क्योंकि इतने सारे जिम्स ओनर्स हैं जो कि रेंट पे, जिन्होंने जो है जगह ली हुई है और उनका रेंट भी नहीं निकल पा रहा था, काफी परेशानी चल रही थी और बहुत सारी जो है जिम्स जो है बंद भी हो गई थी। तो उसके लिए हमें दुख भी है और हम उम्मीद करते हैं कि वो जिम फिर से खुल जाएंगी और फिर से एक माहौल बनेगा फिट इंडिया के लिए। क्योंकि जिम्स तो यार एक सेंटर है, एक जगह है जहां पर इंडिया फिट होगा, हमारा यूथ फिट होगा। बट दोस्तों इस जिम में जाने से पहले आपको बिल्कुल प्रण लेना है कि आपको ओरिजिनल सप्लीमेंट्स ही लेने हैं, डाइट पे पूरा फोकस रखना है, एक्सरसाइज रेगुलर करनी है और दोस्तों सप्लीमेंट विला को याद रखना है ओरिजिनल सप्लीमेंट्स के लिए। दोस्तों फेक माफिया बहुत ज्यादा एक्टिव है और लॉकडाउन में भी एक्टिव रहा था और अब तो और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, तो आपको बच के रहना है। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कि सप्लीमेंट विला के नाम से काफी फेक अकाउंट चल रहे हैं तो आपको बचना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सप्लीमेंट विला के ऑथराइज सिर्फ 3 नंबर ही हैं जिनको आपको कॉल करना है, व्हाट्सएप करना है, जिसमें से 2 नंबर तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ही आ रहे हैं और 1 नंबर जो है इंस्टाग्राम वगैरह पे जो चलता है वो है, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। तो ये 3 नंबर हैं सप्लीमेंट विला के जहां पर आपको कोई भी न्यूज लेनी है, कोई भी आपको जो इंफॉर्मेशन लेनी है, कोई भी आपको अपडेशन लेनी है, कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना है तो इन्हीं नंबरों पे कॉल करनी है। बहुत सारे सप्लीमेंट विला के फेक अकाउंट चल रहे हैं जो कि आपसे कहेंगे कि हमें पैसे डलवा दे, हम ओरिजिनल सप्लीमेंट भेजेंगे। एक मेरे पास अभी हाल ही में, जस्ट बिल्कुल 2 दिन पहले ही मेरे पास एक कंप्लेंट आई है जिसमें बोला गया कि सर मेरा कूरियर नहीं आया। उसके बाद में जो हमारी टीम ने पूछा उससे कि सर आपका क्या ऑर्डर था, आप मेरे को ऑर्डर नंबर वगैरह बताइए, तो उन्होंने ऑर्डर नंबर वगैरह सारी चीजें मुझे बताई और जब हमने चेक किया तो पता लगा कि यार ये तो हमारे पास ऑर्डर ही नहीं है। फिर हमने उनसे कहा कि सर आप ऑर्डर डिटेल्स दीजिए, उन्होंने फिर जो है ऑर्डर डिटेल्स दी। ऑर्डर डिटेल मतलब उन्होंने जो फोन पे जो अकाउंट में ट्रांसफर किए थे वो दिए, ना तो वो हमारा फोन पे नंबर हमारा था, ना अकाउंट हमारा था, ना कुछ। हमने उनको बोला कि सर ये तो हमारा है ही नहीं। फिर उन्होंने मुझे कुछ स्क्रीनशॉट दिए जिनके ऊपर सप्लीमेंट विला लिखा हुआ था और नीचे लिखा हुआ था सुमित सप्लीमेंट विला और वो नंबर था। तो वो बोले कि सर हमने सोचा कि आपका ही अकाउंट और हमने पैसे ट्रांसफर कर दिए। तो मैंने बोला उनको, मैंने कि भाई आपको एक बार कंफर्म करना चाहिए था, कॉल करनी चाहिए थी, या फिर आप जो है हमारी वीडियोस देख रहे हैं उस पे जो नंबर्स आ रहे हैं वही है हमारे ऑफिशियल नंबर, उसके अलावा हमारा कोई भी नंबर नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से भी फेक माफिया आपको फंसाना चाहेगा क्योंकि सप्लीमेंट विला पर जितना प्यार, जितना विश्वास आपका बन रहा है, इस विश्वास को तोड़ने के लिए फेक माफिया इस तरीके के जो है हथियार आजमाएगा, इस तरीके की चालाकियां चलेगा। आपको बिल्कुल चाल में नहीं आना है। सप्लीमेंट विला के 3 नंबर हैं जो मैं बार बार आपको बता रहा हूं, इन्हीं नंबर पर आपको कॉन्टेक्ट करना है। कोई अगर नंबर, नया नंबर आपको देता है तो आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। और दोस्तों आप पहले कंफर्म कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए कि सर ये आपके ही अकाउंट से या जो भी है, तो दोस्तों आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो प्लीज आप जो है फेक माफिया से सावधान रहे। वो भाई का जो नुकसान हुआ मुझे बेहद दुख है, और उसको नकली सप्लीमेंट मिल गया। वो भाई कहने लगे भैया मैं क्या करूं सप्लीमेंट का, तो मैंने उसे बोला, मैंने कि भाई देखो
अब जो गलती हो गई सो हो गई, अब इस गलती का मतलब ये नहीं कि आप इस नकली सप्लीमेंट को भी खा जाओ, इसको बिल्कुल फेंक दो, क्योंकि ये ऐसी चीज नहीं है कि चलो मेरे यूज में नहीं है भाई, दोस्त ले लेगा, भाई ले लेगा, तो ऐसा भी नहीं कर सकते। तो इसलिए वो सप्लीमेंट आपको फेंक देना है। इस वीडियो के माध्यम से भी मैं आप सबको अवेयर करना चाहता हूं कि सप्लीमेंट मिला के फेक अकाउंट से बचना है, और दोस्तों आपको ओरिजिनल सप्लीमेंट्स लेने हैं सप्लीमेंट विला से ही। और आज की गुड न्यूज से मतलब मेरा दिल बहुत खुश है, और आपको कुछ पॉजिटिव एनर्जी फील भी हो रही होगी। मतलब मेरा मन कर रहा है कि मैं यार इस बारे में बातें किए जाऊं, क्योंकि जब जिम बंद थे तो बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट आ रही थी कि भैया जिम बंद है, कैसे हम अपने गेनर्स यूज करें, क्योंकि जो वो ले चुके थे ऑलरेडी तो उनको वो यूज करने में काफी हिचकिचा रहे थे। मैंने उनको बोला भी कि आप घर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट जिम में क्या है ना कि एक माहौल मिलता है आपको यार करने को, तो आप घर पे भी जो है वर्कआउट कर सकते हो। अब एग्जांपल के तौर पे लूं तो पढ़ने को अगर कोई बंदा पढ़ना चाहे तो वो घर पे रह के भी पढ़ सकता है। स्कूल क्यों जाते हैं? स्कूल जाते हैं इसलिए क्योंकि हमको एक एटमोसफेयर मिलता है, एक माहौल मिलता है। तो घर में हम जोश में तो एक्सरसाइज कर लेते हैं, बट वो जो है ना लॉन्ग टर्म नहीं रुक पाती है, क्योंकि मन नहीं करता, कभी ये काम कभी वो काम, कभी मम्मी ने काम बता दिया, कभी पापा ने काम बता दिया, आज की एक्सरसाइज रहेगी चलो कल कर लेंगे, कल की रहेगी परसों कर लेंगे, यही चलता रहता है। और जिम जाने का फायदा क्या होता है? जिम में हमको एक माहौल मिलता है, एक एटमोसफेयर मिलता है कि हाँ यार देखो सब एक्सरसाइज कर रहे हैं, चलो हम भी एक्सरसाइज करेंगे, मन लगेगा, अच्छा लगेगा। तो ये होता है जिम का। और जिम जब बंद थे तो बहुत सारे लोगों ने मिस किया, मैंने भी बहुत मिस किया। अब जिम खुल चुके हैं तो फिर से मजा आएगा, फिटनेस गोल्स हमारे अचीव होंगे, हम फिटनेस के लिए फिर से जो है जिम जाएंगे। बट दोस्तों मैंने बता दिया कि फेक सप्लीमेंट से बचना है आपको, और ओरिजिनल सप्लीमेंट्स लेने हैं। फेक माफिया बहुत एक्टिव हो गया है और अब और हो जाएगा, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, बचिए फेक माफिया से। ओरिजिनल सप्लीमेंट्स लीजिए, सप्लीमेंट विला पर मिलेंगे आपको, कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर है, कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और फेक माफिया से बचना है हर तरीके से, और सप्लीमेंट विला के ऑफिशियल अकाउंट से ही आपको कॉन्टेक्ट करना है। दोस्तों ये वीडियो मैंने बनाई थी आपको अपडेट करने के लिए, और ये एक खुशी जो है मेरे को मिली है वो आप सबके साथ शेयर कर सकूं, पॉजिटिव जो मुझे एनर्जी आ रही है उसके साथ जो है आपको भी मैं थोड़ा पॉजिटिव फील करा सकूं, क्योंकि जब पॉजिटिव एनर्जी जो है बांटते हैं ना तो वो और डबल हो जाती है। तो इसलिए जो है दोस्तों अब आप भी जिम जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, फिट रहिए, और जिम अगर आप नहीं जा सकते तो घर पे और ग्राउंड पे वर्कआउट कीजिए। और ओरिजिनल सप्लीमेंट के लिए सप्लीमेंट मिला को याद रखिए, फेक माफिया से बचिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे जो आपको अपडेट रखेंगे, अवेयर रखेंगे मार्केट में अवेलेबल सप्लीमेंट से। आज की वीडियो में इतना ही, अगली बार मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए सप्लीमेंट के साथ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं।